नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ABTECH में। दोस्तों एक बार फिर से कल चयन बोर्ड पर बहुत सारे छात्र हल्ला बोलने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं बायोलॉजी एक ऐसा मैटर है जिस पर कहा गया था कि 31 अक्टूबर तक इसमें जो है इसके एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाए कि 2020 की। अभी तक एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई है, वहीं पर 2020 में बायोलॉजी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो इन सब मांगों को लेकर के चयन बोर्ड पर कल प्रतियोगी छात्र फिर से पहुंचने वाले हैं। इसके साथ और भी कई मांगें हैं, जिसमें TGT PGT 2020 विज्ञापन की भी मांग है कि इसका विज्ञापन जल्द जारी किया जाए, कॉलेज आवंटन की मांग है, कई सारी मांगे हैं। तो इनको लेकर कल फिर एक बार प्रतियोगी छात्र चयन बोर्ड पर होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो प्रेस विज्ञप्ति आप लोग देख पा रहे होंगे, ये विक्की खान की तरफ से लिखी गई और यहाँ पर कहा गया कि 2020 में जीव विज्ञान की स्थिति को स्पष्ट किया जाए और जीव विज्ञान को विज्ञान 2 के नाम से समाहित किया जाए, नया पद इसमें लाया जाए जिसमें से विज्ञान 1 में भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान वाले अभ्यर्थी आवेदन करें और विज्ञान 2 में जंत विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान वाले इसमें अभ्यर्थी आवेदन करें। ठीक है, तो ये कहा गया है कि इसमें चयन बोर्ड से ज्ञापन के अंतर्गत कि जीव विज्ञान को 2020 भर्ती में शामिल किया जाए जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो सके और जो लगभग 70,000 अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य प्रकाशमय हो सके। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, फेसबुक में भी पोस्ट अभ्यर्थियों ने डालना शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है कि जितने भी चयनित हैं अचयनित हैं सब कल 11 बजे चयन बोर्ड पहुँचे। PGT स्कूल आवंटन, TGT परिणाम, न्यू विज्ञापन, बायोलॉजी परीक्षा आदि के लिए सभी को आमंत्रित किया गया कि कल चयन बोर्ड पहुँचें। जो भी साथी हैं पहुँचिएगा वहाँ पर। ठीक है, जैसा कुछ अपडेट फिलहाल निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में हम कल आपको ज़रूर बताएंगे। अब बात कर लेते हैं LT ग्रेड कॉलेज चॉइस आवेदन को लेकर के। तो दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाए थे, उसमें आप लोगों को बताया था कि 28 अक्टूबर को इसकी विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद आप लोगों के कॉलेज चॉइस आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये विज्ञप्ति जारी की गई है विक्की खान की तरफ से, उन्होंने बताया है कि 28 अक्टूबर को विज्ञप्ति इसकी जारी कर दी जाएगी और 29 अक्टूबर से विद्यालय चुनाव के लिए आवेदन पत्र भरा जाएगा। ठीक है, तो जो भी कला के छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 29 अक्टूबर से आप लोगों के कॉलेज चॉइस आवेदन शुरू हो जाएंगे और जल्द ही आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यहाँ पर नीचे लिखा है कि आप लोगों के नियुक्ति पत्र दिवाली से पहले देने के प्रयास पर काम शुरू हो चुका है, आप लोग जश्न मनाइए, खुशी के रंग में सराबोर हो जाइए, यह दिवाली धमाका आप लोगों के जीवन में नई खुशियाँ लेकर के आए, विक्की खान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों कला वाले अभ्यर्थियों के लिए कल विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, हमारे चैनल पर आप लोगों को ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर दोपहर के बाद से काफ़ी मैसेज आपको मिले होंगे, वीडियो भी बहुत लोगों ने बनाए हैं कि कल 69 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आ रहा है, लेकिन इसकी असलियत ये है कि एक्चुअल में कल 69 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। विभिन्न जो लीगल टीमें हैं उन्होंने अपना अपना इसमें स्पष्टीकरण दिया है, मैं कुछ आपको प्रूफ यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारी बात बताई गई कि मामला एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है 28 अक्टूबर की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी हुई है, जिसमें माननीय जस्टिस UU ललित एवं माननीय जस्टिस MM शांता नागौड़ की खंडपीठ में 69 शिक्षक भर्ती से में अपील से संबंधित इसमें UP स्पेशल आइटम नंबर 302 पर लिस्ट हुई है। इसके साथ 4 अन्य अपील भी लिस्ट हुई हैं। कॉज लिस्ट में कहीं पर भी डिलीवरी या जजमेंट या ऑर्डर या ओपिनियन ऐसा मेंशन नहीं है। ठीक है, इस शंका का समाधान करने की जो लीगल टीम है उन्होंने अपने जो काउंसिल हैं RK सिंह साहब से संपर्क किया, वहाँ से ये पता चला कि 69 शिक्षक भर्ती का भी कोई भी जजमेंट नहीं आ रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहा है। एक्चुअल में बात यह है कि 31,270 शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में चल रही है, जिनके जिलों में अभी काउंसलिंग हो रही हैं, उसमें से कई सारी स्टे अप्लीकेशन पड़ी हुई थी, फाइलें पड़ी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 31,270 शिक्षक भर्ती पर स्टे दिया जाए। तो वो जो मतलब अपीलें थी उन पर सुनवाई होनी है कल। ठीक है, तो वही यहाँ पर आया हुआ है। अब उसमें जो मेन केस है, ठीक है,
वो भी दिखाया गया, इस वजह से अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे कि शायद कल जजमेंट आ रहा है सूबेदार सिंह वाला। तो एक्चुअल में बात ये होता है कि मेन केस वही है, इस वजह से वहाँ पर लिस्ट किया गया है और इसलिए उसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो गए और उन्होंने ये समझ लिया कि कल ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पर नीचे लिखा है ऑर्डर कब आएगा, तो इसके बारे में लिखा है कि अगर ऑर्डर सुनाया जाना होगा तो सेकंड सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी, उसमें कॉज लिस्ट के मुताबिक जजमेंट डिलीवर होगा। फिलहाल अभी इसमें ऑर्डर डिलीवर का जो कल होना है उसमें कल ऑर्डर नहीं सुनाया जाएगा, अफवाहों पर आप लोग ध्यान ना दें। इसके अलावा आप लोग जानते हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से जो टीम है रिजवान अंसारी, उन्होंने भी कहा है, देखो यहाँ पर फेसबुक पर ट्वीट किया हुआ है कि 28 अक्टूबर को जजमेंट नहीं आ रहा है बल्कि स्टे एप्लीकेशन लिस्ट हुई है, ठीक है। तो एक्चुअल में कल कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा, जो स्टे एप्लीकेशन दाखिल हुई थी उसी की कल सुनवाई यहां पर होनी है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में हम आपको शेयर करते रहेंगे, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी हमारे यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।